नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर के रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बिक रहे पैकेज्ड पानी रेल नीर की बिक्री के लाभांश का भुगतान नहीं होने से रेलवे बोर्ड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के बीच विवाद बढ़ गया है। रेलवे अधिकारियों के माने तो रेल नीर की बिक्री के लाभांश का भुगतान नहीं कर IRCTC हर साल करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगा रहा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने कड़े शब्दों में IRCTC के CMD को पत्र लिख MOU के अनुसार 2007-08 से 2020-21 तक के लाभांश का 15% हिस्सा भारतीय रेल को चुकाने की हिदायत दी है। राजस्थान में बिजली संकट से जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। कोल इंडिया व कोल ब्लॉक से कोयले की 20 रैक डिस्पैच होने के बाद बिजली के उत्पादन में सुधार होगा और सप्लाई तेज की जाएगी। इससे पहले राजस्थान को शुरुआत में सिर्फ 11 रैक ही मिल पा रही थी। संयुक्त उपक्रम की वन स्वीकृति लेने की कोशिश, वहीं अब राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और अडानी के संयुक्त उपक्रम परसा ईस्ट एवं कांताबासन की दूसरे चरण की वन भूमि 1136 हेक्टेयर का हस्तांतरण होना है। इसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि ये जल्द ही दिला दी जाएगी ताकि वहाँ पर काम शुरू हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान के बीजेपी नेताओं को मूर्ख और बेवकूफ कहे जाने के बाद अब गुजरात कांग्रेस प्रभारी और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी नेताओं को दोयम दर्जे का बता दिया है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि बीजेपी में अब तक 6 से 7 मुख्यमंत्री के दावेदार बन चुके हैं। ये अनुशासन का दावा करते हैं लेकिन अनुशासन नाम की चीज बीजेपी में नहीं है। उन्होंने कहा, दोयम दर्जे के नेता बीजेपी चला रहे हैं, ये नेता परिणाम नहीं ला सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के साथ ही अब लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए कोरोना गाइडलाइन के साथ राजधानी जयपुर में एक क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है, जिसमें डॉक्टर्स, RAS, IAS, अधिवक्ता, विधि सेवा के अधिकारियों सहित मीडिया कर्मियों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेसी सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी पहुँच रहे हैं। बेरोजगारों के साथ ही प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। पिछले 13 दिनों से जहां मंत्रालय कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर डटे हुए हैं, तो वहीं थर्ड ग्रेड शिक्षक भी तबादलों की मांग को लेकर सत्याग्रह की राह पर चल रहे हैं। इस साल तबादलों के लिए करीब 85,000 से ज़्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने आवेदन किया है। ऐसे में अभी तक तबादले नहीं होने के चलते थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने भी अब आंदोलन की राह अपना ली है। बीते 2 दिनों से थर्ड ग्रेड शिक्षक शहीद स्मारक पर तबादलों की मांग को लेकर सत्याग्रह पर बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैसलमेर जिले से एक साथ 33 से भी ज़्यादा ANM, GNM और फार्मासिस्ट के तबादले उनके गृह जिलों में कर दिए। उनकी जगह एक भी स्टाफ जैसलमेर जिले में नहीं लगाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ तबादलों से जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र न केवल खाली हो जाएंगे बल्कि स्वास्थ्य सेवाएँ भी गड़बड़ा जाएंगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जयपुर स्थित विभाग को रिप्लेसमेंट करने की बात कहते हुए इन तबादलों को फिलहाल रोका है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण और उसके बाद लागू हुई गाइडलाइन की वजह से लगातार दूसरे साल विजयादशमी सादगी से मनाई जाएगी। इस बार जयपुर में चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में ही रावण दहन किया जाएगा। यहां लाखों लोगों को ऑनलाइन दहन दिखाने की तैयारी है। वहीं कोटा में रावण की लंबाई को कम कर दिया गया है, यहाँ सिर्फ 25 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही जोधपुर, उदयपुर, अजमेर में सांकेतिक तौर पर रावण दहन होगा। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और बीकानेर समेत प्रदेश के कई जिलों में इस बार रावण दहन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून की विदाई के बाद राजस्थान सहित उत्तर भारत के राज्यों का मौसम बदलने लगा है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ा है। राजस्थान के भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, सीकर, कोटा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी, चूरू, नागौर समेत कई जिलों में रात का तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह उत्तरी भारत के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखा है और आने वाले समय में स्थिति इसी तरह की बनती रही तो राजस्थान में इस बार सर्दी जल्दी दस्तक दे सकती है। पति की दीर्घायु और सौभाग्य समृद्धि का प्रतीक पर्व करवा चौथ 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक पक्ष की चतुर्थी को सौभाग्यवती महिलाएं दिन भर निर्जल निराहार रहकर रात्रि चंद्रोदय के बाद मिट्टी से बने सुराही नुमा करवा पात्र से चंद्रमा को अर्घ देकर पूजन करेंगी। चंद्र दर्शन के बाद पति के हाथों 7 बार जल आचमन और मिष्ठान खिलाकर चतुर्थी के कठिन व्रत का पारण करेंगी। ये व्रत खास तौर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ही किया जाता है।
पोखरण में शारदीय नवरात्र की मौके पर बुधवार को कस्बे सहित क्षेत्र में दुर्गाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर कस्बे के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की रेलम पेल लगी रही तथा मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और जाजवला मैया, लटियाल माता व हिंगलाज माता मंदिर को छोड़कर सभी मंदिरों में यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियाँ देकर विश्व शांति, मानव कल्याण व सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।